हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाला है मछली बॉयल नागा स्टाइल से, और आप लोग को हम दिखाएगा कैसा कैसा बनाता है हम हमको इतना नहीं आता है, लेकिन हाँ मछली बॉयल हम आप लोग को आज बना के दिखाएगा, ठीक है? और आप लोग देखते रहना हम कैसा बनाता है तो हम अभी मछली वॉश कर लिया, एंड देन बॉयल वाला मछली बनाने के लिए ना ऐसा वाला बर्तन जो है ना, ये सबसे बेस्ट होता है बॉयल बनाने के लिए। सो आई एम रेडी। हम सिंस हम अकेला रहता है तो इसलिए हम हाफ मछली हाफ जो है वो बॉयल करके रखेगा, और बॉयल करके उसको खा लेगा आज का दिन के लिए, आज के लिए। और उसके बाद आधा जो है ना इसको फ्राई करके रख देगा, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम और बना के खा सकेगा ना। तो इसलिए I'm going to keep that. तो क्या तीन ठो बॉइल करने से भी हो जाता है, लेकिन चार ठो बॉइल करेगा, चार पीस, एंड देन चार पीस जो है फ्राई करके रख देगा, ठीक है? और उसके बाद वॉश करके तो रख लिया। अभी हमको क्या करना है ना, इसमें मतलब बॉइल जो है बहुत ज़्यादा इजी है बनाने के लिए, तो अभी फिलहाल तो हमको जो भी मतलब नेसेसरी है, मतलब थालना ही है वो सब्जी में ना, वो चीज़ तो थालना है। और मेरा वाला सब्जी में बैम्बू शूट्स इज कंपल्सरी, बॉयल में बैम्बू शूट्स इज नेसेसरी फॉर मी। तो आज मेरा रूम में अभी फिलहाल तो बैम्बू शूट्स नहीं है, उसका पानी लाया है, बैम्बू शूट्स का पानी है, तो उसी को हम थाल रहा है मेरा मछली में, जैसे ऐसे इसी से बॉयल बनेगा। अभी थोड़ा इतना क्वान्टिटी थाल दिया, उसका जब ऐसा उसका ग्रेवी ये बैम्बू शूट्स का जो पानी है ना, इसको थालने से भी बैम्बू शूट्स का फ्लेवर मिल जाता है, तो इसलिए हम पानी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हो गया नमक, नमक तो बताइए सबको थालना है, कितना थालना है वो तो अपना अंदाज़ा दे ही सकता है ना। तो मेरा अंदाज़ा इतना है चार मछली में। उसके बाद टोमेटो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है मेरा सब्जी में, और बिना टोमेटो हमको ऐसा लगता है कि सब्जी ही अच्छा नहीं होगा, ऐसा लगता है। एक ही टोमेटो थाल देगा क्योंकि चार पीस ही बनाने वाला है ना, हम अकेला है, अकेला रह रहे आज तो मेरा दोस्त भी नहीं है, इसलिए हमको अकेला खुद के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है, और बात करने के लिए भी कोई नहीं है ना, तो इसलिए आप लोग से बात करके हम बना रहे हैं। तो टोमेटो को बस आपको लोग को कैसा करना है, सिंपल वे से ऐसा काट के थाल देना है, ऐसा काट के थालना है हाँ। और ये थालने के बाद ये वो क्या बोलते हैं, टोमेटो जो ऐसा थोड़ा वो पकने का बाद ना थोड़ा सा थूम थूम करना है, उसे वापस थोड़ा सा बॉइल करने देना है। तो मछली में जो भी ज़रूरत है सब आगे से थालना है, वो बॉइल होने से बनाने से पहले। कि ग्रीन चिल्ली को भी आप लोग को ना ऐसे करके स्लाइस करके ऐसा काट के थालना है, और कुछ नहीं, जस्ट दो पीस ऐसा करके ना ऐसा करके थाल देना है। ग्रीन चिल्ली का फ्लेवर जो है बहुत टेस्टी हद लगता है हमको, अच्छा लगता है। तो आज हम पूरा लाइफ आप लोग को काट के दिखा रहे हैं, नहीं तो हम बास्केट में पहले तो हम पूरा बाउल में ऐसा काट के रख के हम आप लोग को डायरेक्ट ढाल के हम दिखा सकना था, लेकिन जो भी होना हम अकेला है, किसी से बात करने के लिए नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी थोड़ा सा वो होगा ना, आप लोग से बात कर रहे हैं जैसा लगेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और वैसे ग्रीन चिली का थालना हो गया, उसका काम ख़त्म। और उसके बाद नमक हो गया, टोमेटो हो गया, ग्रीन चिली हो गया, बैम्बू शूट्स का पानी हो गया ना, अभी लास्ट में हमको क्या थालना है बताए, चिल्ली पाउडर थोड़ा सा, ये है चिल्ली पाउडर, और हम थोड़ा सा उसको कलर ना थोड़ा अच्छा आने के लिए धनिया पत्ता होने से धनिया पत्ता थालना पड़ता है लास्ट में, लेकिन अभी नहीं, तो चिल्ली पाउडर का काम हो गया कलर आने के लिए। उसके बाद लास्ट में पानी डालना है, और कुछ देखते हो इसमें हम पानी डाल रहे हैं, इतना काफी है, इतना क्वांटिटी पानी का काफी है इतना काफी है। और इसको अभी गैस ऑन करके बॉइल होने देना है, गैस भी मेरा बात नहीं सुन रहा है, मैं बदमाश हो गया,
ये बॉईल होने के बाद हम बनाएगा मछली फ्राई। असल में मछली फ्राई को आगे करना था लेकिन जल्दी में भूख लग रहा है ना, तो इसलिए तो ये ऐसा देखो देखो सब थालने के बाद देखने के लिए ऐसा लगेगा कच्चा का टाइम में ना, लेकिन पकने का टाइम में और अलग ही दिखाई देगा। तो आप लोग को भी ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। और मतलब हम बैम्बू शूट्स का वो जो ग्रेवी दिया है ना, पानी जो दिया है, लेकिन आप लोग उसका जगह में बैम्बू शूट्स यूज़ कर सकते हैं। सब्जी बॉइल हो रहा है, आई एम एक्साइटेड। हम खुद थोड़ा नर्वस हो रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसा बनाते हुए वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसलिए हमको थोड़ा सा नर्वस हो रहा है कैसा दिखेगा। और कोई कोई होता है ना बॉयल में सिर्फ पानी थालता है, नमक थालता है, और जो जो चीज़ बॉयल बनना है ना वही ऐसा ही होता है बोल के सोचता है ना, लेकिन बॉयल में भी बहुत ज़्यादा कुछ थालना पड़ता है। और जंगल का मसाला भी होता है, हाँ वो मसाला पाता मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम थाल देना था आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो इसलिए अभी बॉयल हो रहा है तो आई एम लिटिल बिट नर्वस कैसा होगा। और मछली वैसे हमको बहुत पसंद है, लेकिन चलो देखता है कैसा होगा, आप लोग बस देखते रहो। और लास्ट में मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है इसलिए हम इसको थालने वाला है, ये फ्लेवर को और अच्छा कर देगा। तो गाइस इसको भी फाइनली काट दिया अभी, और ये मछली भी ऐसा पॉइल जो ऐसा हो रहा है देखने के लिए ऐसा कुछ देखने मिलता है। I'm a little bit nervous. एक तरफ में हम खुद के लिए खाना भी बिठाने वाला है तो हम धो लिया एंड आई एम ऑल सेट रेडी, पानी पॉइल होने से हम खाना भी बना लेगा। तो थोड़ा नर्वस है, आई एम टेलिंग यू कैन आई कैन, अब बार बार हम यही बात बोल रहे हैं लेकिन सच में हम थोड़ा नर्वस हो रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हम पब्लिक को दिखाने वाला है कि हम मेरा कुकिंग कैसा है, और वो भी पॉइल हम पता नहीं, थोड़ा नर्वस है। एनीवे सब लोग मतलब छोटा टाइम में ना, मतलब सब लोग का ऐसे पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना, मम्मी लोग पापा लोग बोलते हैं कि खाना बनाओ, खाना बनाने सीखो, ऐसा ऐसा बोल के, लड़का हो या लड़की ना सब लोग को, मतलब घर में लड़का लोग को तो वैसे ज़्यादा नहीं बोलता है लेकिन लड़की लोग को बहुत ज़्यादा बोलता है ना ये उस टाइम में, लेकिन हम लोग छोटा होता है ना, समझ होता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमको भी आता था, बहुत गुस्सा आता था कि मतलब हमको कि नौकर समझ के रखा है, हमको सिर्फ बोलता है, भैया को नहीं बोलता है, भाई लोग को नहीं बोलता है, ऐसा बोल के ना, ऐसा ख्याल सबका आता है। लेकिन ना यही चीज़ ना आज के दिन में मेरा बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, मतलब हम अकेला रहे कि भी हम सर्वाइव कर सकते हैं ना, बिकॉज आई कैन कुक। इसमें अगर आप लोग का भी सेम सिचुएशन फेस हो रहा है ना तो ऐसे टाइम में गुस्सा मत करो, इनफैक्ट वहाँ से आप लोग जो सीख रहे हैं ना वो फ्यूचर में आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, जैसे मेरा अभी हो रहा है, हम अकेला है और इतना मतलब अकेला हम रहना पड़ रहा है तो अभी हमको खुद के लिए खुद ही बनाना पड़ेगा ना, तो वो सब के लिए हम लोग को ऐसे अभी छोटे टाइम में ऐसा मम्मी पापा का गाइडेंस में रहने का टाइम में नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा, है कि नहीं बोलो। इसलिए आप लोग अगर आप लोग वो स्टेज में है तो मत भूलना और मत गुस्सा मत करना, इनफैक्ट वहाँ से सीख लो कि गुस्सा नहीं करना है उस टाइम में, सीखो। अभी मेरा देखो हम इतना गुस्सा करता था लेकिन वही चीज़ आज मेरा काम आ रहा है ना, तो ये रहा मेरा कॉफी किचन, क्या करके रखना पड़ा है, ये है मछली का हालत, शो यू आफ्टर दाल मिली था, और उसके बाद ये खाना हम बना रहे हैं तो यहाँ में पानी बॉइल करा रहे हैं, पानी बॉइल होने देगा, पानी बॉइल हो ही गया तो अभी हम डायरेक्ट खाना उसमें वो डाल देगा, चावल डाल देगा, थाल रहा है। उसके बाद मेरा खाना ये खुद से खुद पक जाएगा, सो आई डोंट नीड टू वरी। सब्जी बन रहा है, एक तरफ खाना बन रहा है, सो ये रहा हालत अभी तक।
डोंट वरी गाइस, हम टाइम ड्यूरेशन भी बोलेगा कितना देर तक उसको बॉइल करना है, ठीक है? देखो आप लोग कच्चा कच्चा बनाएंगे खाने से, ट्राई करने का चक्कर में। हम लोग ना नमक ऐसा चाहता है, रुको नमक ठीक है कि नहीं ऐसे करके। हाँ थोड़ा आप लोग वो पता नहीं आप लोग कैसा कटा होगा, सबका अलग अलग स्टाइल होता है ना, तो हम लोग ऐसा करके चाहता है। हाथ सफाई धोया हुआ है, मजा हुआ है। अभी बस इसको ना टोमेटो जो है उसको कुछ नहीं करना है बस, और ये ढाल देना है। हाँ और ये ढालना नहीं ढालना आपका मर्जी है, इसको नहीं ढालने से भी बन जाता है। हाँ और अभी बन ही चुका है, बहुत टेस्टी हुआ है। और उफो, हम आप लोगों को बात करते करते भूल गया, लहसुन भी ढालना है बोलिए। हम लोग ना नमक ऐसा चाहता है, रुको नमक ठीक है कि नहीं ऐसे करके। हाँ थोड़ा आप लोग वो पता नहीं आप लोग कैसा कटा होगा, सबका अलग अलग स्टाइल होता है ना, तो हम लोग ऐसा करके चाहता है। हाथ सफाई धोया हुआ है, मजा हुआ है। अभी बस इसको ना टोमेटो जो है उसको कुछ नहीं करना है बस, और ये ढाल देना है। हाँ और ये ढालना नहीं ढालना आपका मर्जी है, इसको नहीं ढालने से भी बन जाता है। हाँ और अभी बन ही चुका है, बहुत टेस्टी हुआ है। और उफो, हम आप लोगों को बात करते करते भूल गया, लहसुन भी ढालना है बोल के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, बिना लहसुन भी हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये ढाल रहे तो लहसुन नहीं ढालने से भी हो जाएगा। तो टोमेटो जो है ना देखने के लिए देखो ऐसा होता है ना, तो इसको क्या करना है ना पीसना है, मतलब पूरा वो कर देना है, काया भी कर देना उसको। पीसना मतलब क्या, जब इसे इसी से ऐसे ऐसे करने से भी हो जाएगा, जैसा हम अभी कर रहे हैं ना, ऐसे करके थोड़ा नॉर्मली बस ऐसे लाहे इसे धीरे से, मतलब ऐसा करना है ऐसे धीरे से, ऐसे करने से भी हो जाएगा। और ये भैया ये देखो आप लोग, ये देखो इसका अभी हम ढाल रहा है। तो प्याज ऑनियन का जो लीव्स है ना इसको ज़्यादा देर तक बॉइल नहीं कराना है, बॉइल तो होते रहेगा अपना काम। और उसके बाद अभी मछली फ्राई कैसा करना है ये तो सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम दिखा देगा, ठीक है? मछली फ्राई में क्या क्या डालना है वो तो पता ही होगा सबको। पहले बात कच्चा मछली में इसमें हल्दी डालना पड़ेगा, हल्दी बस कलर के लिए, हल्दी डाल के मतलब मेरा स्टाइल बोल रहा है, पता नहीं आप लोग कैसा करता होगा, क्या पता आप लोग मसाला भी डालता होगा उस डे में। तो ऐसे सिंपल से फ्राई करना है ना। उसके बाद नमक थोड़ा सा ऐसे छीक देना है, मिक्स करना है, कलर जो पूरा तरफ से लगने देना पड़ेगा, हल्दी का कलर और नमक जो। ये रहा, ऐसा करके बनाना पड़ेगा। उसके बाद फ्राई करना है, गाइस सी डिश मेरा मछली पूरा रेडी है खाने के लिए। आपको ये 20 मिनट्स तक आप लोग को बॉईल करना पड़ेगा, 15 टू 20 मिनट्स। हाँ उसके बाद मतलब जो भी फ्लेवर है जो भी आइटम्स है वो सब ढाल के एक ही बार बॉईल करना है, और लास्ट में जो लहसुन ढालने से ढालेगा गार्लिक, एंड देन वो क्या बोले वो जो ऑनियन का लीव्स जो हम ढाला है ना उस टाइम में, जैसे उस टाइम में हम 5-2 मिनट नमाने से पहले हम ढाल दिया था ऑनियन का लीव्स ना, उसका जैसा आप लोग को लहसुन उस टाइम में ढालना है, या तो धनिया पत्ता उस टाइम में ढालना है। और हम मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है और हम लहसुन नहीं ढाल रहे क्योंकि ऑनियन का पत्ता ढाल दिया ना, इसलिए हम नहीं ढाल रहे। तो मेरा सब्जी रेडी है, नमक भी ठीक है, एट द सेम टाइम टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है।
फाइनली मेरा कुकिंग कम्प्लीट हो गया और मतलब थोड़ा सा नर्वस भी है, आप लोग कैसा कैसा ये पॉइंट को देख के कैसा कैसा रिव्यू देगा कमेंट्स में, तो इसके लिए थोड़ा नर्वस है, लेकिन हम थोड़ा सा ट्रस्ट में हम थोड़ा सा इसे टेस्ट करके देखा था, तो हमको थोड़ा ठीक ही लगा टेस्ट, जो खराब नहीं था, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और आप लोग ट्राई करने का टाइम में टेस्ट थोड़ा सा खराब होने से हमको ब्लेम मत करना क्योंकि सबका हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है ना तो हमको ब्लेम मत करना। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, आज का वीडियो इतना तक ही था। अगर आप लोग नया व्यूवर्स है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड अगेन।